वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं 20वीं सदी का विश्व इतिहास, सन 1900 से लेकर के 1945 तक, यानी कि 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 टू 1945। ये आप सभी के सभी यूजी कोर्सेज में सेमेस्टर 5 में जेनेरिक इलेक्टिव पेपर है बेटा, हिस्ट्री का, इतिहास का, एज पर द UGCF 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें पहली इकाई हम लोग कर चुके हैं पूरी कंप्लीट, दूसरी इकाई भी पूरी हो चुकी है, तीसरी इकाई का पहला चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ, यानी कि जो लंबे लंबे चैप्टर्स थे वो हमारे कवर हो चुके हैं। अब आगे छोटे छोटे पार्ट बचे हैं जिन्हें हम एक एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में करते चलेंगे। तो आपकी तीसरी इकाई का दूसरा भाग है, जो पार्ट है ये, इसका नाम है समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की भूमिका पर विमर्श। यहाँ पर समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, ये दोनों एक ही चीज हैं या अलग अलग हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में हम लोग। तो समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं, मतलब कैसी विचारधाराएं हैं ये, सामाजिक विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं और आर्थिक विचारधाराएं हैं। इनका उद्देश्य है समाज में समानता लाना, श्रमिक वर्ग का कल्याण करना और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, जो भी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, वो सब किसी एक की नहीं है, उन पर सबका हक है। तो ये इनका उद्देश्य होता है, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद के हिसाब से ये लोग चाहते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, साथ में श्रमिक वर्ग का कल्याण होना चाहिए, श्रमिक वर्ग बहुत ज्यादा बुरे हाल में नहीं रहना चाहिए, और जो भी संसाधन है देश के, उन सब सब पर सबका महत्व है, कोई किसी के निजी नहीं है। हालांकि दोनों में बहुत सी समानताएं हैं समाजवाद और साम्यवाद में, लेकिन दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं, तो इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटे। पहले हम पढ़ेंगे समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, प्रोडक्शन के जो भी साधन होते हैं, जैसे उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कृषि, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जिन्हें आप कहते हैं, इन सब पर सामूहिक स्वामित्व होता है, कलेक्टिव सबकी जिम्मेदारी होती है, इसकी सबका मालिकाना हक सबका होता है इन पर। तो समाजवाद का उद्देश्य होता है पूंजीवादी व्यवस्था की असमानताओं को कम करना। जहां पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहां पर कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो समाजवाद का उद्देश्य है इस व्यवस्था की जो असमानताएं हैं उनको कम करना। तो समाजवाद में राज्य या समाज आर्थिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर अधिक नियंत्रण रखता है, यानी कि जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, चाहे वो खेती की जमीनें हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे उद्योग धंधे हो, उन सब पर सरकार का हक होता है, और ताकि समृद्धि और संसाधनों का वितरण समानता के साथ हो सके और उनको तरीके से बांटने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। तो समाजवाद की विशेषताएं करेंगे हम, संसाधनों का समान वितरण पहली विशेषता तो ये होती है समाजवाद की, कि समाजवाद में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संसाधनों का वितरण किया जाता है, यानी कि जो कुछ भी होता है वहां पर वो इस तरीके से बांटा जाता है कि समाज में समानता आए, असमानता कम हो, ताकि समाज के हर वर्ग को फायदा मिले। दूसरी विशेषता होती है समाजवाद की, राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में सरकार या राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, जो भी उत्पादन के साधन है, चाहे वो खेती है, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, उन सब पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के कंट्रोल में होती है वो। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उनसे, उनका एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण में लगाया जाता है, बाकी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर निजी संपत्ति की अनुमति, समाजवाद में सीमित निजी संपत्ति की अनुमति, आप निजी संपत्ति रख तो सकते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड, लेकिन प्रमुख उद्योगों और सेवाओं पर, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर राज्य का ही अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। आगे है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद को अक्सर लोकतांत्रिक रूप में लागू किया जाता है जिसमें लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में डेमोक्रेसी है, ऐसे ही सरकार चुनते हैं और उसके बाद सरकार उनके लाभ के लिए काम करती है, उनके फायदे के लिए काम करती है। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या है ये जानेंगे हम। समाजवाद का उद्देश्य होता है पूंजीवादी आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना।
कोई भी जहां पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था होती है वहां पर अमीर लोग बहुत अमीर होते हैं, गरीब लोग बहुत गरीब होते हैं। इस चीज को कम करना समाजवाद का उद्देश्य होता है, सभी को समान अवसर देना। ये ज्यादा न्याय संगत समाज का निर्माण करने के लिए फोकस्ड होता है, जिसमें हर व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त।
तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसे कॉमिंटर्न के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको कॉमनली कॉमिंटर्न के नाम से जानते हैं, ये एक इंटरनेशनल यूनियन था। इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसने ग्लोबल लेवल पर यानी कि विश्व स्तर पर समाजवादी क्रांति और साम्यवाद के प्रचार का काम किया बेटे, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद को फैलाया कॉमिंटर्न। इसे 2 मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत रूस में स्थापित किया गया था, यानी कि स्थापना हुई थी इसकी 2 मार्च 1919 को, और इसका संस्थापक जो रहे वो थे व्लादिमीर लेनिन। तो इसका उद्देश्य था दुनिया भर के जितने भी देश थे उनमें कम्युनिस्ट पार्टियां जहां पर भी थी उन सबको एकजुट करना और उन्हें समाजवादी क्रांति के लिए इंस्पायर करना, प्रेरित करना, ये इसका मकसद हुआ करता था। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि कॉमिंटर्न के क्या क्या उद्देश्य होता था, क्या क्या इनके मकसद थे, आपके प्रश्न बन सकता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए तो बनता है वैश्विक क्रांति का प्रचार। तो कॉमिंटर्न का मुख्य उद्देश्य होता था दुनिया भर में समाजवादी क्रांति का प्रचार करना। इस संगठन का मानना ये था कि केवल एक देश में समाजवाद की स्थापना करना काफी नहीं है, सारी दुनिया में समाजवाद होना चाहिए ताकि सारी दुनिया के सभी देशों में से पूंजीवाद खत्म हो जाए। ये केवल एक देश की बात नहीं करता था कॉमिंटर्न, सारी दुनिया की बात करता था, एक यूनिवर्सल संगठन था, ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टियों का समन्वय, यानी कि जितनी भी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थी सारी दुनिया के देशों में जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टियां बन चुकी थी, जगह जगह पर हर देश में, बहुत सारे देशों में कॉमिंटर्न के जो है उनको इकट्ठा किया। बहुत सारे देश थे जहां पर कम्युनिस्ट पार्टियां बन चुकी थी उनको सबको एक तरीके से यूनाइट करना इनका उद्देश्य था। इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच एकता स्थापित करना, उनको यूनाइट करना, उनका एक संगठन बनाना और उनके प्रयासों को वैश्विक क्रांति के लिए केंद्रित करना, यानी कि उनको एक ग्लोबल लेवल पर यूनाइट करना, सारी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों को एक करना इनका मकसद था। तो इसके अंतर्गत हर देश में इन्होंने पूंजीवादी सरकार के खिलाफ संघर्ष को संगठित, पूंजीवादी सरकार के खिलाफ उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को इकट्ठा किया। तीसरा इनका उद्देश्य था सोवियत मॉडल का अनुसरण। तो कॉमिंटर्न का मानना था कि सोवियत संघ का जो मॉडल है इसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और जो कम्युनिस्ट का सोवियत संघ का जो मॉडल था इसमें जो उत्पादन के साधन थे उन पर राज्य का नियंत्रण था और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही थी। सर्वहारा वर्ग यानी कि जो एक तरह से वेल टू डू जो ग्रुप होता है उसको एक तरीके से उसकी तानाशाही थी, ये और देशों में भी लागू किया जा सकता है। सोवियत संघ का राजनीतिक और आर्थिक मॉडल कई देशों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि जहां पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध इनका मकसद हुआ करता था। जहां भी कहीं पूंजीवादी शक्ति देखती थी, जहां कहीं साम्राज्यवादी शक्तियां देखती थी उनका ये विरोध किया करते थे। तो कॉमिंटर्न ने पूंजीवादी और साम्राज्यवादी जो देश थे उनके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शोषण का अंत करना। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे इन्होंने जगह जगह उपनिवेश बनाए हुए थे और शोषण कर रहे थे, इसका अंत करना इनका मकसद था, ताकि सभी देशों में समाजवाद की स्थापना हो, सभी देश स्वतंत्र हो और वहां समाजवाद की स्थापना हो। इसके अलावा इनका मकसद था प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, उसके बाद बहुत से देशों में समाजवादी और मजदूर आंदोलन शुरू हो चुके थे। तो कॉमिंटर्न ने इन आंदोलनों को समर्थन दिया, मार्गदर्शन दिया। इनका उद्देश्य था इन आंदोलनों को साम्यवादी विचारधारा की तरफ लेके जाना, सबको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, सबको सफल बनाना। इसके प्रसिद्ध कांग्रेस और सम्मेलन क्या क्या रहे, कॉमिंटर्न ने 1943 तक बहुत सारे प्रसिद्ध कांग्रेस और सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस का मतलब आप अपने यहाँ देश में जो INC है उससे मत समझिएगा, कांग्रेस मतलब मीटिंग्स बहुत सारी ऑर्गेनाइज की जिनमें विभिन्न देशों के कम्युनिस्ट नेताओं ने हिस्सा लिया और वैश्विक क्रांति के लक्ष्यों और रणनीतियों पर चर्चा की। इनका मकसद होता था जगह जगह अपनी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, सम्मेलन ऑर्गेनाइज करना, ताकि लोग मिले और आगे की रणनीति तैयार करें। कॉमिंटर्न का विघटन कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान जोसेफ स्टालिन ने कॉमिंटर्न को आधिकारिक रूप से ऑफिशियली भंग कर दिया, खत्म कर दिया। इसके पीछे कारण ये था कि स्टालिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी देशों के साथ कॉपरेट करना चाहते थे, सहयोग करना चाहते थे और कॉमिंटर्न की जो गतिविधियां थी वो इस सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकती थी, मुश्किलें खड़ी कर सकती थी।
हालांकि कॉमिंटर्न को भंग कर दिया गया था, लेकिन इसका असर बहुत लंबे टाइम तक दुनिया भर में बना रहा। दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट आंदोलन चलते थे उन पर कॉमिंटर्न का असर बना रहा। तो कॉमिंटर्न का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, श्रमिक आंदोलन और विभिन्न देशों में साम्यवादी विचार के प्रसार पर गहरा पड़ा। मतलब जहां भी कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां कहीं श्रमिक आंदोलन होते थे या फिर जहां भी कहीं साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ करता था, वहां कॉमिंटर्न की बात जरूर हुआ करती थी। इससे दुनिया भर में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों को एक दिशा मिली, वो सब एकजुट हुए और इसका रिजल्ट ये रहा कि सारी दुनिया में बहुत से देशों में समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत हुई। आगे हम जानेंगे कॉमिंटर्न पर कुछ स्कॉलर्स के विचार जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं बेटे। इनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर आपके इसमें से कोई टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, किसी का नाम लेकर के उसके विचार पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये सब के सब करने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉमिंटर्न पर एरिक हॉफमैन के विचार, हॉफमैन के विचार। इतिहासकार एरिक हॉफबॉम ने कॉमिंटर्न को अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख साधन के रूप में देखा, यानी कि इन्होंने कहा कि ये कॉमिंटर्न जो है ये अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन का एक प्रमुख साधन है, यानी एक सोर्स है जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन चलाया जा सकता है, जिसने श्रमिक वर्ग को एकजुट किया है और समाजवादी विचारधारा को प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में, पॉजिटिव सोर्स के रूप में देखा। हॉफबॉम का मानना था कि कॉमिंटर्न ने पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष को एक वैश्विक ढांचा प्रदान किया, एक ग्लोबल स्ट्रक्चर दिया है और इसकी वजह से जो श्रमिक आंदोलन है वो एकजुट हुए हैं, उनको एक मकसद मिला है। यानी कि वो कहते थे कि कॉमिंटर्न ने सारी दुनिया में समाजवाद का प्रसार किया है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जितने भी श्रमिक आंदोलन है उनको एक दिशा दी है, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष को एक ग्लोबल स्ट्रक्चर प्रदान किया है, इस तरीके से कॉमिंटर्न काम कर रहा है, ये मानना था हॉफबॉम का। तो उनके अनुसार वैश्विक क्रांति का उद्देश्य क्या था? हॉफबॉम का मानना था कि कॉमिंटर्न ने अपने शुरुआती सालों में, शुरुआती वर्षों में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को व्यापक रूप से प्रसारित करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने शुरुआती सालों में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को फैलाया है ताकि दुनिया भर में समाजवादी क्रांतियों को बढ़ावा मिले। जब सारी दुनिया में लोगों को पता चलेगा कि कोई ऐसी विचारधारा और देशों में भी चल रही है तो उनको हौसला मिलेगा। इसके तहत बहुत से देशों में श्रमिक आंदोलन जो चल रहे थे उनको उन्होंने कॉमन प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, एक साझा मंच पर लाने का प्रयास किया जो क्रांतिकारी उद्देश्यों को बल देने में सहायक था। इसकी वजह से जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो मजबूत होते थे, अपने आप में एक सपोर्ट फील करते थे। दूसरा, इनके हिसाब से एक इसका काम था आंदोलनों की एकजुटता। तो हॉफबॉम ने कॉमिंटर्न की भूमिका को विश्व भर के समाजवादी और मजदूर आंदोलनों के बीच एकता स्थापित करने के रूप में देखा है। यानी कि हॉफबॉम का कहना था कि कॉमिंटर्न ने सारी दुनिया में जितने भी मजदूरों के आंदोलन चल रहे हैं, जितने भी समाजवादी आंदोलन चल रहे हैं, उन सबके बीच में एक एकता लाई है। उनका मानना था कि अलग अलग देशों में हो रहे जो आंदोलन है उनमें आपसी सहयोग के लिए कॉमिंटर्न ने काम किया, उनको आपस में पास लाए हैं, नजदीक लाए हैं, साथ में ग्लोबल लेवल पर वर्ग संघर्ष को इससे मजबूती मिली है, बल मिला है। इस बात पर उनकी आलोचनाएं और सीमाएं क्या रही, कुछ सीमाओं पर भी हॉफबॉम ने बात कही, उनके हिसाब से कुछ इसमें कमियां भी थी। वो मानते थे कि सोवियत संघ का बढ़ता हस्तक्षेप खासतौर से स्टालिन के नेतृत्व में कॉमिंटर्न के मूल उद्देश्य से भटकने का कारण बना। जब स्टालिन इसके लीडर थे तब उन्हें लगा कि कॉमिंटर्न जो था ये अपने उद्देश्यों से भटक रहा था। इसे हॉफबॉम ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा, क्योंकि इससे कॉमिंटर्न का ध्यान अंतरराष्ट्रीय क्रांति से हट करके सोवियत संघ के जो नेशनल जो फेवर्स थे उनकी तरफ केंद्रित हो गया था। यानी कि अब कॉमिंटर्न जो था वो अंतरराष्ट्रीय क्रांति के बजाय सोवियत संघ के हित में काम करने लग गया था, ऐसा लगा हॉफबॉम। इसके अलावा हॉफबॉम ने विशेष रूप से 1930 के दशक में कॉमिंटर्न की जो एक एंटी फासिस्ट भूमिका जो थी उसकी सराहना की, उनको इस बात का एक तरह से तारीफ की उन्होंने। अब ये फासिज्म क्या होता है ये आपको अगले पार्ट में बताया गया है बेटे, उसका मैं वीडियो बनाऊंगी, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो हॉफबॉम ने इसको, जो कॉमिंटर्न था इसको फासीवाद के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत प्रतिरोधी ताकत माना। उनके हिसाब से इस दौरान कॉमिंटर्न ने यूरोप और बाकी क्षेत्रों में भी बहुत से क्षेत्रों में फासीवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में अपना योगदान दिया और बहुत सी वामपंथी ताकतों को एक मंच पर लाने के प्रयास किए। इस बात की हॉफबॉम ने तारीफ की थी। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि एरिक हॉफबॉम के हिसाब से कॉमिंटर्न ने समाजवादी और मजदूर आंदोलनों में
प्रेरणादायक भूमिका निभाई, लेकिन सोवियत संघ के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उसके प्रयास सीमित हो गए। अब उसका ध्यान सोवियत संघ के हितों को संभालना हो गया बजाय सारी दुनिया के आंदोलनों को सहायता देने की। साथ में आप मानते थे कि कॉमिंटर ने वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण ढांचा तैयार किया, यानी कि दुनिया भर में एक जो वर्ग संघर्ष चल रहा था उसको उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, एक ढांचा दिया, जिसकी वजह से समाजवाद के जो आंदोलन थे वो मजबूत हुए, स्ट्रॉन्ग हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमिंटर्न पर लियोन ट्रोत्स्की के विचार। लियोन ट्रोत्स्की के विचारों में कॉमिंटर्न का मूल उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा क्रांति को फैलाना और वैश्विक समाजवादी क्रांति की दिशा में मार्गदर्शन करना, यानी कि उनका मकसद था कि जो सर्वहारा क्रांति चल रही थी इसको फैलाना और दुनिया भर में समाजवादी क्रांति को एक डायरेक्शन देना। लेकिन ट्रॉट्स्की का मानना था कि जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में, जब जोसेफ स्टालिन आए लीडर बनकर के, तब कॉमिंटर्न अपने असली उद्देश्य से भटक गया। यही बात देखिए पीछे हॉकबॉम ने भी कही थी, और सोवियत नौकरशाही के हितों का साधन बनकर रह गया। सेम ओपिनियन हॉक्सबॉम का भी था। तो ट्रॉट्स्की ने कॉमिंटर्न की आलोचना कई पहलुओं से की। उनका पहला तो यही था कि मूल उद्देश्य से वो भटक गया। ट्रॉट्स्की के हिसाब से कॉमिंटर्न की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा क्रांति को समर्थन देना, दिशा देना। लेकिन स्टालिन के अधीन आते ही, जैसे ही जो था ये स्टालिन के अंतर्गत आया, तुरंत ही ये जो था सोवियत संघ के जो हित थे उनकी तरफ काम करने लगा। सोवियत संघ की विदेश नीति का साधन बन गया, जिसकी वजह से कॉमिंटर्न जो था उसका मूल उद्देश्य जो था वो भटक गया। इसका क्रांतिकारी दृष्टिकोण जो था वो कमजोर पड़ गया। इसके अलावा स्टालिन का समाजवाद एक देश में सिद्धांत जो था, स्टालिन के एक देश में समाजवाद सिद्धांत का बहुत कड़ा विरोध किया था। उनका मानना था कि समाजवाद केवल एक देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में सफल हो सकता है, वैश्विक स्तर पर ही सफल हो सकता है। एक देश में समाजवाद नहीं चल सकता है, सारी दुनिया में समाजवाद चलना चाहिए। साथ में ट्रॉट्स्की का मानना था कि सोवियत संघ में समाजवाद तभी सुरक्षित रह सकता है जब बाकी सब देशों में भी समाजवादी क्रांतियां हों। केवल सोवियत संघ में समाजवाद हो, बाकी सब जगह ना हो, इस तरीके से समाजवाद सुरक्षित नहीं रह पाएगा। स्टालिन का यह सिद्धांत कि एक देश में समाजवाद ट्रॉट्स्की के विचार में कॉमिंटर्न के अंतरराष्ट्रीय क्रांति के लक्ष्य के अगेंस्ट था, उससे बिल्कुल अपोजिट था। इस बात की वो खुलकर के आलोचना कर रहे थे। आगे क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ ही विश्वासघात हुआ। एक तरीके से ट्रॉट्स्की का मानना था कि स्टालिन के नेतृत्व में कॉमिंटर्न ने कई देशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उनको कमजोर कर दिया। जैसे कि जर्मनी में 1930 के दशक में फासीवाद का उदय हुआ, उस दौरान स्टालिन के निर्देशों पर कॉमिंटर्न ने समाजवादी और वामपंथी ताकतों के साथ सहयोग करने की बजाय खुद को आजाद घोषित करके स्थापित करने की नीति अपना ली, जो कि हिटलर के सत्ता में आने का एक बड़ा कारण बन गया था। वहां पर फासीवाद स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि वामपंथी ताकतें जो थी, जो समाजवादी ताकतें थी, वहां पर अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे थे, खुद को स्वतंत्र मान के एक नीति अपना रहे थे। उन लोगों ने कहीं भी हिटलर को रोकने की कोशिश नहीं की, फासीवाद वहां पर इसलिए स्थापित हो। आगे जन मोर्चा नीति की आलोचना करते हैं। यहाँ पर ये तो 1935 में स्टालिन ने जो कॉमिंटर्न ने पीपल्स फ्रंट जो नीति लागू की थी, जन मोर्चा लागू किया था। इसका मकसद था पूंजीवादी लोकतंत्रों और उदारवादी ताकतों के साथ सहयोग करना, मतलब हम किसी के भी साथ किसी का अपोज नहीं करेंगे। जो पूंजीवादी लोकतंत्र था, शुरू में कॉमिंटर्न का मकसद था पूंजीवादी जो भी देश है वहां पर उनका विरोध करना, लेकिन इनका यहाँ पर यह हो गया कि हम उनका विरोध नहीं करेंगे, उनके साथ हम सहयोग करेंगे ताकि फासीवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके। इन लोगों ने पूंजीवादी लोकतंत्र के साथ, मतलब सबके खिलाफ नहीं हुए, केवल ये फासीवाद के खिलाफ आए। ट्रॉट्स्की ने इस नीति की आलोचना की और इसे वर्ग संघर्ष को कमजोर करने वाली नीति बताया। उनके हिसाब से जन मोर्चा नीति ने श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को कमजोर कर दिया और समाजवादी आंदोलन का जो असली उद्देश्य था उससे कॉमिंटर्न भटक गया। ये लोग सिर्फ फासीवाद के खिलाफ हो गए स्टालिन के आने पर, और बाकी सबके लिए ये सहयोगी बन गए। चौथा, इंटरनेशनल ट्रॉट्स्की का मानना था कि कॉमिंटर्न में सुधार संभव नहीं है। उनका मानना था कि कॉमिंटर्न में अब सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि यह सोवियत नौकरशाही के कंट्रोल में पूरी तरह से आ चुका है स्टालिन के लीडरशिप में। इसलिए उन्होंने 1938 में फोर्थ इंटरनेशनल की स्थापना की थी ताकि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर एक नया और एक स्वतंत्र क्रांतिकारी संगठन तैयार हो सके। इन्होंने जब कॉमिंटर्न खत्म हुआ तो ट्रॉट्स्की ने एक अपना संगठन बनाया था फोर्थ इंटरनेशनल के नाम से, जो कि कॉमिंटर्न के मूल उद्देश्य को दोबारा से जीवित कर पाए और इंटरनेशनल लेवल पर समाजवादी क्रांति को बढ़ावा दे सके। यानी कि एक तरीके से इन्होंने मान लिया था कि कॉमिंटर्न खत्म है, उसकी जगह पर
फोर्थ इंटरनेशनल डे लेगा ये मानकर ट्रॉन्स्की ने फोर्थ इंटरनेशनल की स्थापना की थी 1938 में। तो सारांश यही है कि लियोन ट्रॉन्स्की के हिसाब से कमिंटर्न का पतन सोवियत नौकरशाही के कंट्रोल में आने की वजह से, उसके नियंत्रण में आने की वजह से और स्टालिन की नीतियों की वजह से हुआ। ट्रॉन्स्की के मत के अनुसार, ट्रॉन्स्की के विचार के अनुसार कमिंटर्न ने अंतरराष्ट्रीय क्रांति का मार्गदर्शन करने की बजाय सोवियत राज्य के हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यही बात हॉब्सबॉम ने भी कही थी, जिसकी वजह से ये नौकरशाही संगठन में बदल चुका था इंटरनेशनल संगठन की बजाय। इसकी वजह से उन्होंने फोर्थ इंटरनेशनल स्थापित किया ताकि जो असली अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन है, जिसका जो कि एक तरीके से कमिंटर्न लेकर के चला था शुरुआत में, उसे दोबारा से शुरू किया जा सके। अब कमिंटर्न पर रॉबर्ट कॉकलिन के विचार पढ़ेंगे हम आगे। रॉबर्ट कॉकलिन जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और सोवियत अध्ययन के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने कमिंटर्न पर जब एनालिसिस किया, इसको विश्लेषण किया, तो इन्होंने सोवियत संघ की विदेश नीति और वैश्विक क्रांतिकारी आंदोलनों के बीच एक मिश्रण के रूप में देखा। कॉकलिन ने कमिंटर्न की भूमिका और उसके कार्यों का गहराई से अध्ययन किया, बहुत स्टडी किया उन्होंने। उसके बाद निष्कर्ष निकाले कि सोवियत राष्ट्रवाद का उपकरण है। कॉकलिन के हिसाब से कमिंटर्न का एक मुख्य उद्देश्य था वैश्विक समाजवादी क्रांति को फैलाना, लेकिन सोवियत संघ के नेतृत्व में ये धीरे धीरे सोवियत राष्ट्रवादी हितों के एक उपकरण में बदल गया। जो बात सभी कह रहे हैं, पीछे से हॉफमैन ने कहा, ट्रॉट्स्की ने कहा, वही बात यहाँ पर कॉकलिन भी कह रहे हैं। इनका भी मानना यही है कि सोवियत लीडरशिप में खास तौर पर स्टालिन के अंडर आते ही कमिंटर्न का इस्तेमाल सोवियत संघ की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया। यानी कि सोवियत संघ के एक तरीके से जो कमिंटर्न था, जो कि ग्लोबल एक संगठन था, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था, उसको स्टालिन ने सोवियत संघ की विदेश नीति को साधने के लिए, विदेश नीति को फॉलो करने के लिए इस्तेमाल किया। वैश्विक क्रांति से सोवियत सुरक्षा, तो कॉकलिन के हिसाब से कमिंटर्न के शुरुआती दिनों में लेनिन और अन्य नेताओं ने इसे वैश्विक सर्वहारा क्रांति के लिए साधन माना था, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ सोवियत संघ के प्रति बढ़ते खतरों के कारण ये दृष्टिकोण में बदलाव आ गया। धीरे धीरे सोवियत संघ को खतरा महसूस हो रहा था, तो इसलिए सोवियत संघ ने कमिंटर्न को अपने लिए इस्तेमाल किया। तो सोवियत नेतृत्व ने समझा कि अंतरराष्ट्रीय क्रांति की सफलता की तुलना में सोवियत राज्य की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनको लगा कि सारी दुनिया की सुरक्षा करने की बजाय हम अपनी सुरक्षा कर लें। तो इस वजह से कॉमिंटन के जो क्रांतिकारी उद्देश्य थे उनको लिमिटाइज कर दिया गया, सीमित कर दिया गया और सोवियत संघ के उद्देश्यों को साधना शुरू कर दिया गया। अब जन मोर्चा नीति जो आई थी उसके बारे में कॉकलिन ने भी यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया है। तो 1930 के दशक में कॉमिंटन ने जो नीति अपनाई थी, जन मोर्चा नीति जिसे पीपल फ्रंट कहा जाता है, इसकी भूमिका पर भी बात कही। इन्होंने कहा कि इस नीति के तहत कॉमिंटन ने फासेवादी शक्तियों के खिलाफ उदारवादी और लोकतांत्रिक ताकतों के साथ गठबंधन करने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो समाजवादी क्रांति का जो उद्देश्य चल रहा था वो कमजोर हो गया। तो कॉकलिन के हिसाब से ये नीति सोवियत संघ के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, ना कि क्रांतिकारी सिद्धांतों को बढ़ावा देने की। यानी कि सारी दुनिया में क्रांतिकारी बढ़ावा देने की बजाय वो लोग सोवियत संघ के हितों को साधने लगे। संगठनात्मक समस्याएं और नौकरशाही, कॉकलिन का मानना था कि कॉमिंटर्न की जो संरचना थी और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी वो सोवियत नौकरशाही के नियंत्रण में थी। यानी कि स्टालिन के लीडरशिप में कॉमिंटर्न जो था ये पूरी तरह से सोवियत कि जो ब्यूरोक्रेट थे उनके कंट्रोल में आ चुका था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इसका असर और इसकी भावना में कमी आ चुकी थी। तो स्टालिन के लीडरशिप में कमिटमेंट जो था ये आजाद विचारों और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टियों के स्वायत्तता को दबा दिया गया। यहाँ पर आजाद विचारों को दबाया गया, कम्युनिस्ट पार्टियों की जो एक आजादी थी उसको दबाया गया, कम किया गया। इसकी वजह से एक ब्यूरोक्रेट संगठन ये बनकर के रह गया था, सेंट्रलाइज नौकरशाही संगठन बनकर के रह गया था कम्युनिस्ट। अब कॉमिंटर्न का पतन और विघटन पर क्या कहते हैं कॉकलिन के हिसाब से, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान स्टालिन ने पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंध सुधारने के उद्देश्य से, क्योंकि सारी की सारी पूंजीवादी शक्तियां थी, तो उनके साथ अपने संबंध सुधारने के उद्देश्य से स्टालिन ने कॉमिंटर्न को भंग कर दिया था। कॉकलिन ने इस बात को संकेत माना कि सोवियत नेतृत्व के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रांति की जगह सोवियत संघ के राजहित ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। यानी कि स्टालिन को वो कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रांति की बजाय सोवियत संघ के हितों को साधने के लिए ज्यादा फोकस्ड हो गए। कॉमिंटर्न का एक ऐसे भंग करना इस बात को दर्शाता है कि सोवियत संघ के लिए विदेश नीति के जो प्राथमिक लक्ष्य थे वो अब बदल चुके थे। अब वो सारी दुनिया के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ सोवियत संघ के बारे में, अपने देश के बारे में सोच रहे।
तो यह सारांश यही कहा जा सकता है कि रॉबर्ट कॉकलेन ने कॉमिंटर्न को एक ऐसे साधन के रूप में देखा था जो शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रांति का समर्थन करता था, सारी दुनिया में समाजवाद साम्यवाद की बात करता था शुरुआत में, लेकिन बाद में सोवियत राज्य के हितों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गया था। उनके हिसाब से सोवियत लीडरशिप जो थी उसने कॉमिंटर्न को वैश्विक समाजवादी आंदोलनों को कंट्रोल करने के लिए और सोवियत संघ के राष्ट्रवादी उद्देश्यों को साधने के लिए इस्तेमाल किया, इनकी धीरे धीरे करके इसके जो उद्देश्य थे वो जस्ट अपोजिट हो गए। कॉमिंटर्न जो दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावा दे रहा था उसे ही इस्तेमाल किया गया उनको कंट्रोल करने के लिए, और साथ में सोवियत संघ के जो नेशनलिज्म एक डेवलप करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो इस प्रक्रिया में कॉमिंटर्न ने अपने मूल क्रांतिकारी उद्देश्य को खो दिया, उसे जस्ट अपोजिट काम करने लगा और एक तरीके से सोवियत के कंट्रोल में आकर के एक तरह से उसके नौकरशाही संगठन जैसे उसके अपने एम्प्लॉइज हों उनके संगठन में बदल गया था। आगे एक और स्कॉलर है कॉमिंटर्न पर कॉल स्ट्राइपर के विचार हमने पढ़े हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो कॉल स्ट्राइपर जो कि एक प्रमुख इतिहासकार है समाजशास्त्री है, इन्होंने भी कॉमिंटर्न पर अपनी आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इनके विचारों के हिसाब से कॉमिंटर्न का उद्देश्य था शुरुआत में वैश्विक समाजवादी क्रांति को बढ़ावा देना। सभी ने बेटा सेम ही बात कही है, नाम चाहे किसी का भी ले लीजिए, सबकी सेम बात आ रही है निकल करके। पर धीरे धीरे ये सोवियत संघ की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अधीन हो गई। वही बात सभी के सभी कह रहे हैं कि शुरुआत में कॉमिंटर्न का उद्देश्य था सारी दुनिया में समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना, लेकिन स्टालिन के लीडरशिप में इसी को इस्तेमाल किया गया दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों को दबाने के लिए और साथ में सोवियत संघ की विदेश नीति को फैलाने के लिए, सोवियत संघ की आजादी को बनाए रखने के लिए। तो सोवियत नियंत्रण में क्रांति का केंद्रीकरण हो गया था। स्टॉपर ने देखा कि कॉमिंटर्न का वास्तविक नियंत्रण सोवियत नेतृत्व विशेष रूप से स्टालिन के हाथों में चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि कॉमिंटर्न की स्वतंत्र क्रांतिकारी नीति थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गई और उसकी प्रायोरिटीज हो गई सोवियत संघ के राष्ट्रीय हितों की साधना करना। स्ट्राइपर के हिसाब से विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट आंदोलनों की जो स्वायत्तता थी वो खत्म होने लगी। जो कम्युनिस्ट आंदोलन थे, जो समाजवादी आंदोलन थे, वो धीरे धीरे कमजोर होते होते खत्म होने लग गए और सोवियत नीतियों का पालन करने के लिए सभी लोग बाध्य होने लगे। आगे वो बात करते हैं वैश्विक समाजवादी क्रांति का क्षरण हो रहा था। स्टाइपर का मानना था कि कॉमिंटर्न ने एक सच्चे वैश्विक समाजवादी क्रांति के बजाय सोवियत राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी, यानी कि जिस मकसद से शुरू किया गया था कॉमिंटर्न उसको छोड़ के सिर्फ सोवियत जो था सोवियत संघ था उसको प्राथमिकता दी। उन्होंने इसे कॉमिंटर्न के उद्देश्यों से एक गहरा भटकाव के रूप में देखा, वो अपने उद्देश्यों से भटक गए। तो स्टॉपर के हिसाब से सोवियत संघ ने अन्य देशों के समाजवादी आंदोलनों को केवल एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जिससे समाजवादी विचारधारा का वैश्विक प्रचार सीमित हो गया, लिमिटाइज कर दिया उन्होंने, एक तरीके से कॉपरेट करना बंद कर दिया। साथ में जो उनकी नीति थी जन मोर्चा नीति जिसे पीपुल फ्रंट कहा जाता है, इसकी कॉल स्टॉपर ने भी आलोचना ही की है। 1930 के दशक में यह नीति लाई गई थी। उनका मानना था कि इस नीति के तहत फासीवाद के खिलाफ पूंजीवादी और उदारवादी ताकतों के साथ गठबंधन करने का फैसला समाजवादी क्रांति की भावना के विपरीत। यही बात चारों स्कॉलर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह नीति सोवियत संघ की सुरक्षा हितों पर केंद्रित थी जो कि अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा क्रांति के मूल उद्देश्य को कमजोर करती थी। इंटरनेशनली एक तरीके से लोगों को कमजोर कर रही है, केवल सोवियत संघ के हितों की बात कर रही है। साथ में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टियों का नियंत्रण, स्टाइपर के हिसाब से कॉमिंटर्न ने विश्व विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित किया और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर दिया। कॉमिंटर्न जो था जहां कह रहा था कि हम सबको आजादी दिलाएंगे, हम सबको कॉपरेट करेंगे, वहीं उन सबके फैसले लेने की ताकत को कमजोर करने लगा। कॉमिंटर्न के माध्यम से सोवियत नेतृत्व ने सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को एक सोवियत मॉडल पर आधारित संगठन में बदल दिया, जैसा सोवियत संघ था उस तरह के मॉडल में बदलने की कोशिश की गई जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार काम करने की बजाय सोवियत संघ की नीतियों का पालन किया जाने लगा। इस तरीके से उनकी अपनी आजादी और भी ज्यादा खतरे में आ गई। कॉमिंटर्न का विघटन हुआ, स्टॉलर का यह भी मानना था कि कॉमिंटर्न का जब विघटन किया गया 1943 में यह भी इसी बात का संकेत था कि सोवियत संघ की प्राथमिकताएं अब बदल चुकी थी। अब वो सारी दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे थे, अब सिर्फ सोवियत संघ के बारे में सोच रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन ने पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए कॉमिंटर्न को भंग कर दिया था, क्योंकि कॉमिंटर्न जो था कहीं ना कहीं जो पश्चिमी लोकतांत्रिक देश थे उनकी विचारधारा के खिलाफ आंदोलन करवा रहा था। अब क्योंकि इसकी वजह से उनके काम में बाधा पड़ रही थी, इसलिए स्टालिन ने उनके साथ संबंध सुधारने के लिए कॉमिंटर्न को भंग कर दिया, जो इस बात का प्रतीक था अपने आप में कि सोवियत राज्य के हित अब अंतरराष्ट्रीय समाजवादी क्रांति की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे।
तो सारांश यही निकलता है कि कॉल स्ट्राइपर के विचार में कॉमिंटर्न का शुरुआती उद्देश्य एक वैश्विक समाजवादी क्रांति लाना था। सभी स्कॉलर्स का यही कहना है बेटे कि शुरुआती उद्देश्य कॉमिंटर्न का था एक वैश्विक समाजवादी क्रांति लाना, लेकिन सोवियत संघ के नेतृत्व में विशेष रूप से स्टालिन की नीतियों की वजह से यह उद्देश्य खत्म हो गया। स्ट्राइपर का मानना था कि कॉमिंटर्न ने सोवियत संघ की विदेश नीति को साधने का साधन बना करके अपनी स्वतंत्र क्रांतिकारी पहचान खो दी और बाकी के देशों में जो समाजवादी आंदोलन चल रहे थे उनको भी उनकी आजादी से वंचित कर दिया, उनकी आजादी को भी खा लिया एक तरीके से। तो ये था आपका पूरा का पूरा पाठ बेटा, जो कि समाजवाद और साम्यवाद पर चर्चा करता हुआ पाठ था। यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा पाठ खत्म हो जाता है। आगे के पाठ भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़ा पाठ कोई है नहीं, मैं एक एक वीडियो में सबको खत्म करूंगी। तो चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं 20वीं सदी का विश्व इतिहास, सन 1900 से लेकर के 1945, 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 to 1945, जो कि आपके सभी के यूजी कोर्सेज में सेमेस्टर 5 में शामिल किया गया है एज पर UGC 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये पाठ था हमारा इकाई 3 का भाग 2, समाजवाद और अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद की भूमिका पर विमर्श। तो ये पाठ यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। ये जो आपका नया कोर्स आया है बेटा, इसी साल जुलाई में जो कि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है फिफ्थ सेमेस्टर में, उन बच्चों के लिए है। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, जो इसी बार फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम आए हैं उन बच्चों के लिए NEP के अकॉर्डिंग। तो आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहीं पर मिलेगा बेटे। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।